आपने हमें बताया कि जैसे रेस्टोरेंट्स की आपने बात करी तो जो बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन उस तरह के कोजींस खाने को मिलते हैं उसके अलावा भी जैसे आप अपने शो में दिखाते हैं बहुत 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 अलग तरह की आ, खाने जैसे गोवन हो गया उड़ीसा की हो गई बंगाल की हो गए अलग अलग तरीके के पकवान होते हैं तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्यों ज़रूरी है कि हम लोग अलग अलग चीज़ें सीखें और आपको कोई आपकी पसंदीदा कोई हो, तो उसके आ, ऐसा है कि हिंदुस्तान में इतने सारे खाने हैं और सारे एक से बढ़कर एक हैं कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कुछ कम पॉपुलर जैसे नॉर्थ इंडिया का जो खाना है वो काफ़ी जगह चाहे वो यूके हो कनाडा हो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन अब जैसे मैं मुंबई में हूँ काफ़ी सालों से अब सो वेस्टर्न कोस्ट का जो खाना है वो इतना कमाल का है इतना बढ़िया खाना है तो मैं काफ़ी दिखाता हूँ इनफैक्ट खाता भी काफ़ी हूँ और वो काफ़ी सिखाता भी हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी सारी अच्छाइयाँ इतने बढ़िया बढ़िया खाने हैं तो सबके साथ शेयर करने चाहिए तो इसलिए जो येलो चिली भी हमारा ब्रांड है रेस्टोरेंट का उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि पैन इंडियन सारे हिंदुस्तान के खाने हम शेयर करें सर्व करें हाँ स्क्यू नॉर्थ इंडियन खाने की तरफ है क्योंकि वो अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लोगों को पसंद आता है बट uh, मेरे हिसाब से इतनी तरह के खाने हैं इतने वेरी टेस्ट हैं अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स हैं कि इतने सरप्राइजेज हैं कि आप अगर uh, सोलकड़ी पिए तो आपको है वाह ये कोकम कोकम क्या है कोकम कैसे <laughs> कैसे इस्तेमाल करते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं कि और मतलब हिंदुस्तानी खाने में इंडियन खाने में इतने सारे लेयर्स हैं यू कीप पॉन पीलिंग दैम और उसके बाद में नए नए एक्सपीरियंसेस नए नए एक्सपीरियंसेस और मैं शेयर करता रहता हूँ